नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर की हिंदी समरी, जिसे विलियम डॉगलास ने लिखा है। इस चैप्टर में लेखक अपने पानी के डर के साथ अपने स्वयं के अनुभवों का वर्णन करता है। सारांश के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि लेखक के मन में पानी का डर क्यों पैदा हुआ और क्या उसने कभी इस पर काबू पाया या नहीं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। डीप वाटर को विलियम डॉगलास द्वारा लिखा गया है, जो एक अमरीकी राजनेता थे। यह चैप्टर विलियम डॉगलास द्वारा लिखी गई किताब ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। यह अध्याय आपके आंतरिक भय पर काबू पाने का महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। यह अध्याय विलियम डॉगलास के अपने पानी के डर के साथ व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में है। आप जानेंगे कि कैसे यह डर उनके मन में बैठ गया और इसने उनके निजी जीवन को कैसे प्रभावित किया। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि डर होना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर काबू पाना हमारे हाथ में है। इस अध्याय का वर्णन स्वयं विलियम डॉगलास ने किया है। लेखक ने तैरना सीखने का फैसला किया। विलियम लगभग 10 से 11 साल का था जब उसने तैरना सीखने का फैसला किया। इसे सीखने के लिए उसने YMCA के स्विमिंग पूल का चुनाव किया। यह कम गहरे सिरे पर 3 फीट का था और गहरे किनारे पर 9 फीट गहरा था। वह वाटर विंग्स के साथ तैरता था और अपनी पतली टांगों के कारण पूल के किनारे चलने में शर्म महसूस करता था। विलियम डॉगलास को 4 साल की उम्र से ही पानी का डर मन में बैठ गया था। यह सब तब शुरू हुआ जब वह अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के एक समुद्र तट पर गया। वह अपने पिता के साथ खड़ा ही था कि अचानक एक लहर आई और उसे नीचे गिरा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वह सांस नहीं ले पाया। यह अनुभव उसके लिए बहुत ही भयानक था और उस दिन से ही उसके मन में पानी का डर बैठ गया। भले ही YMCA ने विलियम के बचपन के डर को दोबारा जगा दिया, लेकिन उसने सीखना जारी रखा। विलियम ने दूसरे लड़कों की नकल करना शुरू कर दिया और 2 या 3 स्विमिंग लेसन के बाद उसमें थोड़ा आत्मविश्वास आ रहा था। YMCA में हुई एक दुर्घटना। एक दिन जब विलियम तैरने गया तो पूल में कोई नहीं था। वह अकेला पूल में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने पूल के किनारे बैठकर इंतजार करने का फैसला किया। जब विलियम दूसरों की प्रतीक्षा कर रहा था, एक बड़ा लड़का आया। वह 18 वर्ष का था और काफी हट्टा कट्टा था। उसने बिना कुछ कहे विलियम को उठाया और उस पूल के गहरे छोर में फेंक दिया। विलियम के सतह पर आने का पहला प्रयास। विलियम बैठने की पोजीशन में पूल के तल पर पहुंचा। वह डरा हुआ था, लेकिन उसने नीचे की ओर जाते हुए एक रणनीति बनाई। इस रणनीति के तहत जब उसके पैर पूल के तल को छू लेंगे, तब विलियम एक बड़ी छलांग लगाएगा। इससे वह सतह पर आ जाएगा और पानी पर सपाट लेट जाएगा। पानी की सतह से वह पूल के किनारे तक धीरे धीरे तैर कर चला जाएगा। पूल के तल तक का रास्ता बहुत लंबा था और वह 9 फीट की गहराई विलियम को 90 फीट की जितनी महसूस हुई। आखिरकार जब उसके पैर पूल के तल को छू गए, तो उसने अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर एक छलांग लगाई। वह धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे केवल हल्के पीले रंग का पानी दिखाई दे रहा था। वह घबराने लगा और अनियंत्रित तरीके से हाथ पैर चलाने लगा। फिर उसने अपने पैरों को सतह पर लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें लकवा मार गया हो। ऐसा लगा जैसे कि कोई चीज उसे नीचे की ओर खींच रही हो। विलियम के सतह पर आने का दूसरा प्रयास। अब विलियम ने एक बार फिर पूल के तल तक अपनी यात्रा शुरू की। उसकी सांस फूल रही थी, उसके फेफड़ों में दर्द होने लगा था। अब वह बेहोश होने लगा, लेकिन फिर भी उसे अपनी मुख्य रणनीति याद थी। नीचे जाते समय एक भयानक डर, स्टार्क टेरर ने उसे जकड़ लिया और वह कांपने लगा। उसका शरीर पैरालाइज हो गया था और केवल उसका दिल और सिर तेजी से धड़कने लगे। अब उसे अपनी मुख्य रणनीति याद आई और जैसे ही उसके पैर पूल की टाइलों से टकराए, वह अपनी सारी ऊर्जा के साथ ऊपर की तरफ कूद गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ और वह अभी भी पानी के नीचे था। वह फिर से कांपने लगा और मदद के लिए अपनी माँ को पुकारने लगा। जैसे ही उसका चेहरा पानी से बाहर आने लगा, उसे कुछ प्रकाश देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सांसें लेने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह में केवल पानी गया। फिर सारी कोशिशें बंद हो गई और उसके दिमाग पर एक धुंधलापन छा गया। सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था। अब कोई डर नहीं था। उसे लगा कि जैसे वह इस दुनिया के पार चला गया और मर गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह पानी से बाहर था और उल्टी कर रहा था। जिस लड़के ने उसे पूल में फेंका था, वह उसके पास ही खड़ा था। उसने विलियम से कहा कि वह तो सिर्फ शरारत कर रहा था।
उस दिन के बाद वह कभी पूल में नहीं गया और जितना भी संभव हो सके पानी की गतिविधियों से दूर ही रह रहा था। कुछ वर्षों के बाद भी जब भी वह पानी से संबंधित कोई भी गतिविधि का हिस्सा लेता, जैसे कैनोइंग, बास, ट्राउट, वही आतंक वापस आकर उसके शरीर और दिमाग को जकड़ लेता था। उसे इस डर को दूर करने का कोई रास्ता नहीं मिला। विलियम ने अपने डर पर काबू पाने का फैसला किया। आखिरकार उसने अपने डर पर काबू पाने का फैसला किया और अक्टूबर में एक तैराकी प्रशिक्षण से तैराकी सीखनी शुरू कर दी। विलियम ने सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटा अभ्यास करना शुरू कर दिया। प्रशिक्षक ने विलियम के चारों ओर एक बेल्ट बांध दी जो एक रस्सी से जुड़ी हुई थी। रस्सी एक चरखी के अंदर भरी हुई थी और प्रशिक्षण रस्सी से दूसरे हिस्से को पकड़ के रखता था। वे दिन प्रतिदिन सप्ताह दर सप्ताह पूरे पूल में चक्कर लगाते रहे। जब भी विलियम पानी के नीचे जाता था, थोड़ा सा पुराना डर वापस आ जाता था और उसके पैर पैरालाइज हो जाते थे। इस डर पर काबू पाने के लिए उसे 3 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ी। उसके पैरों का पैरालाइज होना अब बंद हो गया था। अप्रैल में प्रशिक्षक ने विलियम से कहा कि अब वह पूल अकेले तैरने के लिए तैयार है। विलियम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है, इसलिए उसने अकेले ही पूल में तैरने का प्रयास किया। ऐसा उसने जुलाई तक किया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डर बाकी था। और फिर विलियम एक दिन न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ गया और ट्रिग्स आइलैंड पर से गोता लगाया और झील के पार स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मील तैर गया। लेकिन वह पुराना डर एक बार फिर से वापस लौट आया जब वह झील के बीच में था। जब उसने पानी के भीतर देखा, वह केवल गहरा काला पानी देख सकता था, लेकिन इस बार उसने इस डर का सामना किया और तैरता रहा। विलियम अपने डर का सामना करता है। वह टाइटन में कॉन्राड माइडोज से कॉन्राड क्रीक ट्रेल से होते हुए माइडोज ग्लेशियर तक पहुंचा और वार्म लेक के पार तैरकर दूसरे किनारे गया और वापस आया। अंत में अब उसे विश्वास हो गया कि उसने अपने पानी के डर पर काबू पा लिया है। उस डूबने के अनुभव का विलियम के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उसने लगभग मरने का अनुभव और उससे उत्पन्न होने वाले डर को महसूस किया था, लेकिन किसी तरह उस भावना ने विलियम को पहले से ही अधिक जीवित महसूस कराया। कॉन्क्लूजन ऑफ द स्टोरी। यह लेसन आपके अंदर के डर का सामना करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हम में से हर कोई किसी न किसी चीज से डरता है। कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, जबकि अन्य मंच पर बोलने से डरते हैं। पूरे चैप्टर में हम देख सकते हैं कि विलियम के जीवन पर उनके डर का कितना प्रभाव पड़ा। उसका डर किसी भी गतिविधि का आनंद नहीं लेने देता था। वह हमेशा इससे भागता रहा, लेकिन जब उसने आखिरकार इस पर काबू पाने का फैसला किया तो वह डर गायब हो गया। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम अमर नहीं हैं और हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि यह हमारा आखिरी हो। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। बस उन्हें अनदेखा करना या उनसे भागना कोई ऑप्शन नहीं है। हमें उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि हमारी असली खुशी डर के दूसरी ओर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। बने रहिए हमारे चैनल हायर एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।